मदरसों में किस तरह से मजहबी कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है उसको लेकर देश में अक्सर सवाल खड़े होते आ रहे हैं। ये भी सच है कि मदरसों में धर्म निरपेक्ष की शिक्षा नहीं दी जाती है या सिर्फ मजहबी तालीम ही दी जाती है। साथ ही इस बात के सबूत भी देश के कई हिस्सों से सामने आ चुके हैं कि मदरसों की आड़ लेकर यह जिहादी सोच को बढ़ावा दिया जाता है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला धंधा भी चला जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक मदरसे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। इसके अलावा कई और मदरसों से भी ऐसी देश विरोधी गतिविधियां पाई गई थी। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी खुफिया रिपोर्ट है कि बंगाल के बर्दवान और मुर्शिदाबाद में मदरसों का उपयोग करके जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकियों की भर्ती कर रहा है, यानी कि बांग्लादेश के आतंकी समूह पश्चिम बंगाल के मदरसों का इस्तेमाल अपने नापाक इरादों के लिए कर रहे हैं। ये सब देखकर कई राज्य सरकार सतर्क हो गई हैं और ऐसे जिहादियों के अड्डों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबर है कि अब असम सरकार सभी सरकारी मदरसों को बंद करने जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, असम के शिक्षा मंत्री हिमांत विश्व शर्मा ने ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के दूसरे दिन शिक्षा विभाग पर बोलने के दौरान मदरसे के प्रांतिकरण के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि सरकार के मदरसे नवंबर से बंद हो रहे हैं, इसलिए नए मदरसों के प्रांतिकरण करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब से असम सरकार केवल धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देगी। सरकार धार्मिक तर्ज पर चलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थानों को संरक्षण नहीं देगी। प्रदेश के सही मदरसों को आगामी नवंबर महीने से बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अब और अरबी शिक्षकों की नियुक्ति की कोई योजना नहीं है, निजी मदरसा पहले की तरह ही चल सकते हैं। सरकार निजी मदरसा में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मंत्री ने पहले घोषणा की थी कि मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और संस्थानों के शिक्षाविदों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। तो संस्कृत के बारे में बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि संस्कृत सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है। असम सरकार ने सभी संस्कृत कोर्स को कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय के तहत लाने का फैसला किया है। वे एक नए रूप में कार्य करेंगे। जानकारी के मुताबिक सरकार प्रदेश में 150 नए हाई स्कूल स्थापित कर रही है। इसका निर्माण 2 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। इन स्कूलों में अप्रैल 2021 से कक्षाएं शुरू होंगी। राज्य में 15 सरकारी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 9 कॉलेज लड़कियों के लिए हैं और असम के विशाल चाय संपदा में काम करने वाले लोगों की मदद करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। फरवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण निर्णय में असम सरकार ने घोषणा की थी कि सरकार सभी राज्य संचालित मदरसों और संस्कृत टोल्स को बंद कर रही है। उस वक्त शिक्षा मंत्री ने कहा था कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक शास्त्र अरबी और अन्य भाषाओं को पढ़ाना सरकार का काम नहीं है। तो मस्जिदों की ओर से संचालित मदरसा और गैर सरकारी संगठनों की ओर से संचालित संस्कृत स्कूलों पर इस फैसले का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। असम सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।